नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत मसान घाट पर स्थानीय लोगों ने एक अज्ञात शव को देखा, जिसके बाद यह खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोग जब मसान घाट पहुंचे तो देखा कि वहां एक वृद्ध व्यक्ति का शव घाट किनारे फेंका हुआ था। वहीं इसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, जिसके बाद औद्योगिक थाना प्रभारी कौशल भारती दलवल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। इधर शव की पहचान प्रवत्ता थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर गांव निवासी सुरेश मंडल के रूप में हुई है। मामले को लेकर मृतक सुरेश मंडल के पुत्र सिकंदर मंडल ने बताया कि उनके पिता विगत कई वर्षों से सूरज यादव के खेत की भौलीदारी करते हैं और दबंग बॉकी यादव की भैंस बीते शाम खेत घुस गई, जिसको लेकर सुरेश ने भैंसों को खेत से बाहर लेकर जाने को कहा। सिकंदर मंडल ने बताया कि इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और इलाके के दबंग प्रदीप मंडल, संजय मंडल, बाकी यादव, अरुण मंडल, जनार्दन मंडल, राम मंडल और सुदीन मंडल पर सुरेश की हत्या करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने कहा कि देर रात सुरेश जब घर नहीं लौटे तो उन सभी को चिंता सताने लगी और बाद में पुलिस द्वारा उनकी हत्या की खबर मिलते ही जब वे सभी मौके पर पहुंचे तो देखा कि गंगा घाट के किनारे उसके पिता का शव पड़ा था। साथ ही परिजनों ने हत्या में शामिल लोगों द्वारा पहले भी सभी भौलीदारों से रंगदारी मांगने का आरोप लगाया और रंगदारी नहीं देने पर उनके साथ मारपीट करने की बात कही। सर झगड़ा हुआ था बुक्की जगह से ईटा खाने के बाद, तो बाद रात को हम घर चला गए, पिताजी कले रह गया खम्हारी पर, तो उसके बाद मार दिया। क्यों झगड़ा क्यों हुआ था? तो भुट्टा खेत में था, वो भैंस घुसा दिया, वो हकोने लगा, इसीलिए झगड़ा कर दिया। तो इन लोग आपके पिताजी विरोध किए थे? हाँ, विरोध किए थे, इसीलिए मार दिया। इससे पहले भी उससे विवाद हुआ था क्या? नहीं, उससे पहले नहीं हुआ। क्या करते हैं आपके पिताजी? वही खेती गृहस्थी करते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं करते हैं। कहाँ घर कहाँ? राघोपुर। आप लोगों को जानकारी कब मिली घटना के बारे में? 10 बजे मिला। आज 10 बजे? हाँ, आज घर से आ रहे थे तब मिला जानकारी। पूर्व केंद्रीय मंत्री से राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव गुरुवार को भागलपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निशाना साधा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत और भाजपा की हार को नफरत की राजनीति एवं पिछले 9 वर्षों के भाजपा शासन के वादा खिलाफी की हार करार दिया। दरअसल राजद नेता शोभाकांत मंडल के निधन के बाद उनके परिजनों से मिलकर संत्वना देने को लेकर कहलगांव जाने के क्रम में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अतिथि गृह पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली हार धर्मनिरपेक्षता और प्रेम की राजनीति की जीत है और आने वाले लोकसभा चुनाव में देश की जनता पिछले 2 चुनाव में भाजपा को दिए गए जनादेश के अपमान का बदला लेगी। इसके बाद देश में सांप्रदायिक ताकतों की सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव एक संकेत है और सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, जिससे बीजेपी का सत्ता से सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान मजदूर की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है और ये सब देश की जनता देख रही है। इसका परिणाम विपक्ष की चट्टानी एकता से 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। इस दौरान भागलपुर राजद के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, प्रोफेसर अमन कुमार, शशि रंजन, राजेश दास समेत राजद के कई नेता भी मौजूद रहे। संदेश मिला है कर्नाटक के चुनाव, कर्नाटक के चुनाव में जो नतीजा आया है वो नतीजा कई चीज़ों को संकेत कर रही है। पहला तो ये, जो कर्नाटक में भाजपा की हार हुई है ये नफरत की राजनीति की हार है। दूसरी बात है, जो लोग धर्मनिरपेक्षता में भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं या लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, उन सब लोगों ने एक जनादेश दिया है। वो जनादेश इनके केंद्र सरकार के 9 वर्षों का जो वादा खिलाफी है उसके खिलाफ भी ये जनादेश। इसीलिए दक्षिण में सफाया हुआ है, उत्तर की बारी है। उत्तर में आप देखिए, आगे आने वाले दिन में आपको स्पष्ट हो जाएगा ये लोग, क्योंकि अभी देश में, पूरे देश में नागरिक आज़ादी और जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सिविल लिबर्टी और जो एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दोनों आज चिंता का विषय बना हुआ है। और हम लोग को पूरा भरोसा है कि जो बुनियादी मुद्दा है, जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, उससे ध्यान भटका कर
अब कोई जनादेश नहीं ले पाएगा कर्नाटक के बाद। इतनी जागृति लोगों में, क्योंकि 9 साल जितने वादे किए गए, एक बतावे कि एक वादा पर भी लोग खरा उतरे हो। एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिस्ट बिहार के स्टेट एनुअल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन रविवार को भागलपुर IMA हॉल में किया जाएगा, जिसमें भागलपुर और बिहार समेत देश के अलग अलग हिस्सों से स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल होंगे। इसको लेकर गुरुवार को एम्सकॉन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसे IMA AMS बिहार के चेयरमैन डॉक्टर DP सिंह, IMA भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर मणि भूषण और संयोजक डॉक्टर रोमा यादव ने संबोधित किया। इस दौरान डॉक्टर IMA के स्टेट प्रेसिडेंट DP सिंह ने बताया कि बिहार में पहली बार IMA AMS का एनुअल कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रहा है, जिसके लिए भागलपुर का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य अतिथि के रूप में IMA हेडक्वार्टर के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चांसलर डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, KIMS की वाइस चांसलर नीलम मिश्रा, IMA AMS मुख्यालय के चेयरमैन डॉक्टर पंकज मुतनेजा समेत चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े अलग अलग विद्या के कई विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल होंगे। इसके अलावा सम्मेलन में बिहार IMA के अध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण प्रसाद, सचिव डॉक्टर अशोक कुमार समेत देश के विभिन्न राज्यों और जिलों से डॉक्टर AMS कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे। वहीं IMA भागलपुर के अध्यक्ष डॉक्टर मणि भूषण ने बताया कि IMA हॉल में आयोजित होने वाले एम्सकॉन में हेमोग्लोबिनोपैथीज इन प्रेगनेंसी, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन और कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर समेत अन्य कई टॉपिक पर विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी बात रखेंगे, जिससे अलग अलग बीमारी के इलाज और उससे बचाव से जुड़ी जानकारी साझा हो सके। डॉक्टर मणि भूषण ने कहा कि रविवार को वैज्ञानिक सत्र में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा चर्चा के बाद उद्घाटन सत्र का आयोजन होगा, जो सभी गेस्ट और मेडिकल स्टूडेंट्स को समर्पित होगा। इधर डॉक्टर रोमा यादव ने कहा कि IMA AMS की स्थापना डॉक्टर DP सिंह ने साल 2017 में की थी और पहली बार आयोजित हो रहे इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य अलग अलग विधाओं में देश के जाने माने डॉक्टर्स को एक जगह एक मंच पर एकत्रित करना है, जिनकी अनुभवों और शोध का लाभ देश के डॉक्टर्स एवं मेडिकल स्टूडेंट्स को मिल सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMA AMSCON के आयोजन सचिव डॉक्टर संजय कुमार निराला, डॉक्टर मृत्युंजय कुमार, डॉक्टर SP सिंह और डॉक्टर अर्चना झा मौजूद रही। 28 तारीख को रविवार को हमारा IMA का एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी एक खास एक विंग है स्पेशलिस्ट का, इसका प्रांतीय अधिवेशन स्टेट लेवल का कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम पहली बार हो रहा है भागलपुर में, बिहार में पहली बार हो रहा है। इसमें ख्याति प्राप्त व्याख्याता डॉक्टर्स आएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल रिप्यूट फेम्स के, वो बात करेंगे अलग अलग विधाओं पे, अलग अलग टॉपिक्स पे, जिससे हमारे यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट्स का, हमारे यहाँ के स्नातकोत्तर छात्रों का, डॉक्टर्स का और तमाम दर्शकों का भी ज्ञानवर्धन होगा। 28 तारीख को 3 बजे से 5 बजे तक वैज्ञानिक सत्र है, जिसमें 4 से 5 हमारे वक्ता रहेंगे स्पीकर्स और 6 बजे से विधिवत उद्घाटन है। 28 मई को भागलपुर में भागलपुर IMA हॉल में प्रांतीय लेवल का पहली बार जो है IMA AMS कौन हो रहा है। ये IMA AMS कौन क्या है? एकेडमी ऑफ मेडिकल स्पेशलिटी IMA का एक विंग है और जिसका उद्देश्य है कि जितने भी स्पेशलिस्ट हैं विभिन्न विधाओं के, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, सारे विधाओं के लोगों को अपग्रेड कराना, नए जो अनुसंधान हो रहे हैं, नई जो विधियां हैं इलाज की, उसको अपग्रेड कराना। साथ साथ इसको जो उद्घाटन करने आए हैं पूरे देश के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, जो मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा प्रो वाइस चांसलर हैं अभी इसमें नागपुर में, और उनके द्वारा जो है इस तरह का जो है मेडिकल एजुकेशन कैसा हो पूरे देश का, इस तरह का जो किस तरह का जो पुअर हम लोग हैं, हमारा पुअर देश है, उसमें किस तरह से लोगों को एजुकेट किया जाए, किस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन किया जाए और किस तरह से ज्ञान का जो है धारा के जो है ज्ञान के जो है विद्वान आदमी, उनका जो है उद्घाटन होगा। इस विंग की स्थापना 2017 में प्रोफेसर डॉक्टर DP सिंह सर की अध्यक्षता में हुई, जो अभी IMA AMS बिहार के अध्यक्ष हैं। तब से हम लोग एक प्रांतीय स्तर का ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे, एक अधिवेशन करना चाह रहे थे और पहली बार हम लोगों ने इस अधिवेशन का यहाँ पे आयोजन करने जा रहे हैं।
उद्देश्य है हमारे जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनको एक साथ पहले एक प्लेटफॉर्म पे जमा करना और अपने जो वैज्ञानिक सत्र में जो नई नई उपलब्धियां हो रही हैं हमारे इसमें विभिन्न विभागों में उसकी जानकारी देना और आपस में जो देश से आए हुए विभिन्न प्रांतों से आए हुए जो विशेषज्ञ लोग हैं उनके बीच में एक इंटरेक्शन करना। मेरा नाम धनंजय कुमार है, मैं कोलकाता से हूँ। मेरे को पिछले तकरीबन 11 साल से डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी और उस बीच में अंग्रेजी दवा ले रहा था तो उसमें जो है काफ़ी तरह का परहेज़ बताया गया था, जैसे कि चावल, मीठा, आलू वगैरह कुछ भी नहीं खाने का। फिर मैंने YouTube पे एक बार वीडियो देखा जिससे कि मुझे लगा कि नहीं, मेरे को एक बार दिखाना चाहिए। बट फिर मैं यहाँ पे आया, उस समय मेरा जो है अंग्रेजी दवा चल रही थी मेरी और मेरा शुगर लेवल जो है खाना खाने के बाद जो है 230 था। इसके बाद मैंने सर को दिखाया और मेरा जो है सर का दवा लेने के बाद अभी मेरा शुगर जब से मैंने लेना शुरू किया तब से बिल्कुल ही नॉर्मल रहने लगा एक हफ्ता बाद से। और इसके बाद जो है अभी मैंने 5 महीना दवा खाया, 5 महीना दवा खाने के बाद अभी मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत 3 पंचायतों में कड़ी सुरक्षाओं के बीच उपचुनाव को लेकर गुरुवार को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। वहीं मतदाता सुबह 7 बजे से ही तिलकपुर पंचायत में पंच पद के लिए हो रहे मतदान केंद्र पर पहुंचने लगे, जबकि दूसरी तरफ कमरगंज पंचायत में वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए बनाए गए 2 बूथों पर मतदान करते दिखे। इधर कुमैठा पंचायत में मुखिया पद के लिए मतदान कर रहे मतदाताओं के बीच काफ़ी उत्साह देखा गया। इस दौरान महिलाओं एवं युवाओं ने बढ़ चढ़ कर मतदान में हिस्सा लिया। वहीं निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू ने सुबह से 17 बूथों पर जाकर मतदान की तैयारी और वोटिंग का जायजा लिया, जबकि इसके बावजूद मतदान से जुड़ी पल पल की जानकारी दूरभाष पर लेते रहे। इसके अलावा मतदान के लिए नियुक्त किए गए चुनाव प्रभारी एवं पुलिस सुरक्षा पदाधिकारी भी मुस्तैद देखे गए, जबकि कड़ी सुरक्षा के बीच इसके लिए प्रखंड मुख्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से भी मतदान को लेकर निगरानी की जाती रही। वहीं सभी मतदान केंद्रों पर पोलिंग एजेंट, मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, महिला पुलिस बल और सैफ के जवानों के साथ पुलिस गश्ती टीम को भी लगाया गया था। एकदम पूरा उत्साह के साथ चुनाव हो रहा है। इस बार कैसा प्रत्याशी आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग एकदम जो है जो काम करने वाला हो, विकास की ओर जाने वाला हो, उसी को वोट कर रहे हैं। विकास मुद्दा है। हाँ, तो अभी तक तो माहौल सही चल रहा है, शांतिपूर्वक वोट हो रहा है, सब चीज़ सही चल रहा है, ऐसा बात नहीं है। अब यहाँ 2 पार्टी है। अब एक ढोलक छाप है और एक टेम्पो छाप है, इसी दोनों में संभावना है। दोनों में से अभी तक तो कोई दोषी नहीं, सब गांव समाज पंचायत पूरा पंचायत मिलके वोट उठ दे रहा है, सब चीज़ चल रही है। अभी तक ऐसा कुछ अभी तक समुद्र और नदी के किनारे रेत के सहारे लोगों ने महान कलाकार सुदर्शन पटनायक एवं अन्य कलाकारों को आकार गढ़ते हुए देखा था, लेकिन भागलपुर के लोगों ने जब नवगछिया के एक युवक द्वारा रेत पर बजरंग बली की कलाकृति उकेरी हुई देखा तो इससे दंग सभी दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। दरअसल नवगछिया थाना रोड पर नवगछिया थाना के भवानीपुर निवासी प्रकाश दास के 18 वर्षीय पुत्र कुमोद कुमार ने बालू की रेत पर हनुमान जी की कलाकृति बनाई जो लोगों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसे देखने के लिए लोगों का जमावाड़ा लगने लगा। बताया जा रहा है कि मकनपुर चौक से नवगछिया बाजार जाने वाले लोग कुछ देर वहां रुककर कुमोद द्वारा बनाई गई हनुमान जी की कलाकृति को देखते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ने से पूर्व इस कलाकृति को प्रणाम कर चढ़ावा भी चढ़ा देते हैं। आर्थिक तंगी के कारण कुमोद कुमार 7वें वर्ग तक ही पढ़ाई कर सके, जबकि मेहनत मजदूरी कर वह अपना गुजर बसर करते हैं। वहीं इसको लेकर कुमोद ने बताया कि वह पहले पेपर पर भगवान की तस्वीर बनाता था और धीरे धीरे कोसी नदी किनारे रेत पर आकृति बनाने लगा, जिसके बाद वह बालू का काम होता देख कहीं भी आकृति बना लेते हैं। उन्होंने बताया कि हनुमान जी की आकृति बनाने में लगभग 5 घंटे का समय लग गया। इधर स्थानीय महिला शैल देवी ने कहा कि यह आकृति बहुत अच्छा लग रहा है और इससे पूर्व कुमोद ने महादेव की भी आकृति बनाई थी, जबकि अभी फिर से बजरंग बली की आकृति को बनाया है। पहले हम बनाए थे यहाँ पे गणेश जी और शिव जी, और सोचे हम काम करते हैं, सोचे आज छुट्टी था, मेरा काम नहीं था, सोचे कि आज बनाते हैं और हम आए, लगभग में 5-6 घंटा लग गया बनाए। कब से ही कर रहे हैं?
हम तो पहले कल हम 4 बजे मट्टी जमा करके चला गए थे शाम को, फिर सुबह आए 5-5:30 बजे भिरे, उसके बाद हमको 11-12 बजते बना दिया। ये आपने कब से बनाना सीखे हैं, कहाँ से? ये हम पहले प्रयास करते रहते थे डेली घर में कभी कभी, और पहले कॉपी में बनाते थे ड्राइंग स्कूल में, उसके बाद दिमाग में आया कि मैं मिट्टी का बनाते, मिट्टी का भी बनाए थे, और धीरे धीरे बनाए और हमको अच्छा लगने लगा, और फिर हम हटा से आए यहाँ पे बनाने शुरू, सोचे कि पब्लिक के सामने बनाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो पड़ोस के हैं और एक दिन देखे जो महादेव के फोटो बनाया तो हम लोग देखे अच्छा लगा, और ये मंदिर बजरंग बली को बनाया तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, जो गरीब घर का बच्चा है, मजदूर है, और छोटे घर का लड़का ही जो है बच्चा जो है कुछ काम करता है, कुछ चमत्कार करके दिखाता है। इससे क्या अच्छा लगा, क्या चीज़ बहुत अच्छा चाहिए? हमको लगता है जो यहाँ शनिदेव का पूजा हम लोग करते हैं इस जगह पर, इस बच्चे के यहाँ से अगर मंदिर बन जाए छोटा ऐसा तो इसका भी नाम रहेगा और सब लोग का भक्ति इसको सफल हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।